दोस्तों, नमस्ते इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप देखेंगे हिंदुस्तान का कोना कोना। शुरुआत हम करेंगे अपने शहर आगरा से, क्योंकि आगरा का मैं बसिंदा हूं और मेरे यहां से ताजमहल मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो शुरुआत करेंगे ताजमहल से ही, दुनिया के 7वें व्यू से। और पहली वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं ताजमहल। ये ताजमहल का एंट्रेंस गेट है, ईस्ट गेट। यहाँ से हम एंट्री करेंगे ताजमहल के लिए और चलेंगे अंदर की ओर। चलिए चलते हैं। ये देखिए, अब हम ताजमहल के अंदर आ चुके हैं। कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहाँ का वीडियो नहीं बनाने दिया गया। कुछ सेकंड के लिए आप देखिए ताजमहल के अंदर एंट्रेंस करने से पहले यहाँ की खूबसूरती, फिर आपको ले चलेंगे एंट्रेंस गेट के अंदर। यह ताजमहल का शाही दरवाज़ा है और एंट्रेंस इसी के साथ करते हैं। इसकी खूबसूरती इसको बारीकी सी देखने में है। इसकी टोटल हाइट है 105 फीट। इसके ऊपर जो वर्क है वो सब इनले वर्क है, मीनाकारी का वर्क है। ये पत्थर काट के बनाया गया है। ये सभी वही स्टोन्स हैं जो मून लाइट्स में ग्लोइंग करते हैं, सनलाइट में भी ग्लोइंग करते हैं। बस इफेक्ट कितना है, आपको सही डायरेक्शन देखना चाहिए। और ताजमहल पर कुरान की जो आयतें लिखी हुई वो ये है, सब लेटर्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है और इस काम को देखने के लिए देश दुनिया दूसरे दुनिया के लोग आते हैं। जाएंगे वैसे वैसे ताजमहल पीछे की ओर चलता चला जाएगा। अभी आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, जैसे ही हम गेट के अंदर एंट्री करेंगे वो आपको साफ नज़र आता चला जाएगा। ये देखिए, आपको ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक बेहद खूबसूरत इमारत ताजमहल। जहाँ जिसको जहाँ जैसे मौका मिलता है वो अपनी फोटोग्राफी करना शुरू कर देता है। फ़ोटोग्राफी का असली मज़ा यहाँ के फ़ोटोग्राफरों के साथ फ़ोटोग्राफी करने में है। अपने फ़ोटो कैमरों से आप खींच सकते हैं पर वो क्वालिटी आपको नज़र नहीं आएगी, जो यहाँ के फ़ोटोग्राफर आपको खींच कर देंगे। यहाँ अगर आप मोबाइल से फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप भूल जाइएगा कि आप ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग के पीछे ब्राइटनेस इतना है तो आप फ़ोटो खींचेंगे तो ब्लैक ब्लैक नज़र आएंगे। ये देखिए, आप किसी का फेस क्लियर नज़र नहीं आएगा कैमरे में साथ में आप। तो जैसे ही आप फोटोग्राफी ख़त्म करेंगे अपनी, उन फोटोग्राफरों से कराएंगे जो यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आपका फेस भी क्लियर आएगा और क्वालिटी का भी मज़ा आएगा फोटोग्राफी करने के बाद। क्योंकि फोटोग्राफर को पता है कैसे फोटोग्राफी की जाती है। आप जो फ़ोटो खींचेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार खींचेंगे। ये फ़ोटो जो खींचेंगे अपने व्यापार के तरीके से खींचेंगे और आपकी मेमोरी को लाइफ टाइम खूबसूरत है ही है। उसके साथ साथ यहाँ की फ्लोरिंग भी आप देख सकते हैं, खूबसूरती किसी से कम नहीं है। आज से करीब करीब 350 साल पहले जिस आर्किटेक्चर ने जिस तरीके से फ्लोरिंग का डिज़ाइन दिया है, आप देखेंगे दो कलर के मार्बल का कॉम्बिनेशन है। ऐसा यहाँ नहीं, आगे और भी जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे वहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा। एक रेड सैंडस्टोन है, एक येलो सैंडस्टोन है और ये ऐसे लॉकिंग सिस्टम है, ये कभी मूव नहीं करेंगे और कहीं भी पानी स्टोर नहीं होगा। एक रेड सैंडस्टोन है और एक येलो सैंडस्टोन। ये पूरा कॉरिडोर आप देखिए, यहाँ से कि वहाँ तक कहीं पूरे सिमेट्रिकल का ध्यान रखा गया है। और ताजमहल जो है इतना परफेक्ट सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट है
क्वालिटी इस मॉन्यूमेंट की है कि इस मॉन्यूमेंट को आप जिस साइड से देखेंगे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, आपको चारों साइड से एक जैसा नज़र आएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपकी इसकी खूबसूरती कि जैसे जैसे आप क्लोज जाते जाएंगे उसका ब्यूटी उतना ही बढ़ता जाएगा और इफेक्टेड इतना भी है। जैसे आप सनराइज में देखेंगे तो इस बिल्डिंग का कलर आपको लाइट पिंक कलर नज़र आएगा, आफ्टर 9 o'clock ये आपको क्रीम कलर में नज़र आएगा। ये विंटर का मैं बता रहा हूँ आपको, मैं समर में तो 6 बजे से 7 बजे से इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है क्योंकि सनलाइट जितनी जल्दी इफेक्टेड पड़ती जाएगी उस हिसाब से इसका कलर चेंज होता जाएगा। अभी जो आपको मिल्की वाइट कलर नज़र आएगा यही सनसेट से पहले आपको येलो, क्रीम और सनसेट होने के बाद आपको ये ग्रे कलर। खाली फ्लोरिंग दिख रहे हैं, ये कोरोना काल की वजह से बहुत कम टूरिस्ट होने की वजह से आपको लग रहा है, वरना इस फ्लोर पर इतना टूरिस्ट रहता है कि आपको फोटोग्राफी करने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा और चलने के लिए आपको धक्के से पड़ना पड़ता है, काफ़ी बिजी रहता है। ये खूबसूरती आप देखिए पूरा गार्डन से, ये गार्डन से ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट साइड में ही है और सेम डिज़ाइन आपकी राइट साइड में भी है, पूरा सिमेट्री के लिए ध्यान रखा गया उस टाइम पर भी और अभी भी। अभी तो ये सारे फाउंटेन वर्क कर रहे हैं, उस टाइम में ये फाउंटेन काम करते थे ग्रेविटी सिस्टम से, वाटर प्रेशर के हिसाब से। ये देखिए जिस तरीके से एंट्रेंस गेट हमने फ्रंट साइड से देखा था वैसा ही बैक साइड से भी है। ये ब्यूटी है सिमेट्रिकल बैलेंस की। और ये मीनाकारी का काम जो हमने पहले वहाँ देखा था, ये देखिए आप सेम मीनाकारी का काम। अगर आपको ताजमहल का ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको हिम्मत मिलेगी और हौसला भी आगे वीडियो बनाने का, और जिससे हम आपको आपके शहर की अच्छी से अच्छी वीडियो, मॉन्यूमेंट, मंदिर, जितने भी प्राचीन काल की इमारतें हैं वो आपको दिखा सकें। धन्यवाद। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।